मैं हूं पायल रोहतगी और आज मैं आपके साथ बात करने वाली हूं कि कैसे मुझे लगता है कि कांग्रेस परिवार वॉज कंप्लीटली अगेंस्ट ट्रिपल तलाक बिकॉज अपेरेंटली मोतीलाल नेहरू द सो कॉल्ड फादर ऑफ जवाहरलाल नेहरू हैड फाइव वाइव्स. जी हां, मोतीलाल नेहरू एक्चुअली जवाहरलाल नेहरू के रियल फादर नहीं थे बल्कि स्टेप फादर थे. जवाहरलाल नेहरू के रियल फादर का नाम था मिस्टर मुबारक अली एंड उनकी मदर का नाम था थुस्सू रहमान बाई. ये इन्फॉर्मेशन ऑब्वियसली हमें मिली आफ्टर रीडिंग एमओ मथाईज बायोग्राफी के कुछ पन्ने विच वॉज रिटन बाय एडीना रमाकृष्णा फ्रॉम एपी हेरल्ड. और ये आर्टिकल पढ़ने के बाद अब मैं ये वीडियो बना रही हूँ बिकॉज किसी और ने ये इन्फॉर्मेशन पब्लिक प्लेटफॉर्म पर शेयर करी है. एज पर दिस इन्फॉर्मेशन मोतीलाल नेहरू की पांच बीवियां थी. एक वॉज द फर्स्ट वन वॉज मिसेस स्वरूप रानी जो लीगल वेडेड वाइफ थी और उनके दो बच्चे थे. द बाकी फोर वाइफ्स वर थुस्सू रहमान बाई जिनके दो बच्चे थे, उनमें से एक बच्चा था जवाहरलाल नेहरू. मगर थुस्सू रहमान बाई वॉज फर्स्ट मैरिड टू मिस्टर मुबारक अली जो मोतीलाल नेहरू के बॉस थे एंड ही डाइड अंडर मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस. अब मिसेस मंजरी वॉज द थर्ड वाइफ ऑफ मोतीलाल नेहरू एंड शी हैड अ चाइल्ड नेम्ड मेहर अली शोकता जो आर्य समाज के लीडर थे. एक ईरानियन वुमन थी जो चौथी बीवी थी मोतीलाल नेहरू की एंड शी हैड अ चाइल्ड कॉल्ड एज मोहम्मद अली जिन्ना. जी हां, आपको ये नाम शायद कुछ सुना सुना लगता होगा. अब पांचवी बीवी थी एक हाउसमेड एंड शी वॉज अ मुस्लिम सर्वेंट फ्रॉम कश्मीर एंड शी प्रोड्यूस्ड अ चाइल्ड कॉल्ड एज शेख अब्दुल्ला हु वॉज द एक्स कश्मीर चीफ मिनिस्टर. अब ये सारी इंफॉर्मेशन सुनने के बाद मैं खाली आपसे थोड़ी और इंफॉर्मेशन शेयर कर रही हूं अबाउट द चिल्ड्रन ऑफ द वेडेड वाइफ मिसेस स्वरूप रानी. उनके दो बच्चे थे, एक थी बच्ची मिसेस कृष्णा द वाइफ ऑफ मिस्टर जयसुख लाल हाथी गवर्नर एंड दूसरी बच्ची थी मिसेस विजया लक्ष्मी पंडित वाइफ ऑफ मिस्टर आर एस पंडित द हाई कमिश्नर ऑफ USSR. ये बात आप याद रखना क्योंकि थोड़े समय के बाद आपको मैं बताने वाली हूं कि कैसे इंदिरा गांधी ने लाल बहादुर शास्त्री को मैन्युपुलेट किया था USSR जाने के लिए टू साइन द टैशकेंट ट्रीटी. और ये करने से ऑब्वियसली उनकी मौत हुई थी अगले दिन बाय पॉइजनिंग एंड वी वर टोल्ड, मींस द होल वर्ल्ड वाज टोल्ड दैट ही डाइड ड्यू टू कार्डियक अरेस्ट. सो अपेरेंटली द कांग्रेस परिवार हैड कनेक्शंस इन USSR ऑल्सो. अब जो थुस्सू रहमान बाई थी द वाइफ ऑफ मुबारक अली, शी हैड टू चिल्ड्रन जैसे मैंने आपको पहले बोला. वन वॉज मिस्टर जवाहरलाल नेहरू एंड अनदर वॉज मिस्टर सईद हुसैन. अब जब मिस्टर मुबारक अली की डेथ हुई तो वो उन्होंने जितनी भी जायदाद छोड़ी थी वो सब आ गई मोतीलाल नेहरू को बिकॉज ही गॉट यू नो मैरिड टू थुस्सू रहमान बाई. दे से मैरिड बट ऑब्वियसली शी वॉज अपेरेंटली द इलीगल वाइफ. ये क्या हो रहा है, इट इज टू कंफ्यूजिंग. जवाहरलाल नेहरू ने ऑब्वियसली जवानी में आके शादी करी विद मिस कमला कॉल, मगर कहते हैं कि ही डिड नॉट कंसमेट हिज मैरिज एंड कमला कॉल हैड अ रिलेशन विद हिज ब्रदर मंजूर अली एंड दैट्स हाउ दे हैड अ डॉटर कॉल्ड एज इंदिरा प्रियदर्शनी नेहरू. सो टेक्निकली इंदिरा गांधी यानी इंदिरा प्रियदर्शनी नेहरू इज नॉट द biological daughter of Jawaharlal Nehru because she was born when Kamala Kaul had a relationship with Jawaharlal Nehru's brother Manzoor Ali. Oh my God. जी हाँ, ये सुनकर काफी shocking लगता है कि क्या मतलब घोटाला होता है inside the Congress परिवार. Apparently, जैसे मैंने आपको बोला, इंदिरा गांधी ने पटाया था लाल बहादुर शास्त्री को to go to Tashkent and somehow people say that she was involved in the poisoning act that caused his death. इसके अलावा ये इन्फॉर्मेशन भी है कि इंदिरा प्रियदर्शनी नेहरू जो बाद में बनी ममूमा बेगम खान बिकॉज शी गॉट मैरिड टू जहांगीर फिरोज खान जो एक पर्शियन मुस्लिम थे एंड ऑब्वियसली बाद में इन्होंने अपना सरनेम बदला एज गांधी बिकॉज मोहनदास करमचंद गांधी ने बोला ऐसा करो, भारतीय लोगों को बेवकूफ बनाओ. एंड दे हैड टू सन्स, राजीव खान हुम वी नो एज मिस्टर राजीव गांधी एंड संजीव खान हुम वी नो एज मिस्टर संजय गांधी. तो इस तरह से भारत का विभाजन हुआ इंटू थ्री पार्ट्स. इंडिया वॉज फॉर इंदिरा गांधी, पाकिस्तान वॉज फॉर द हाफ ब्रदर मोहम्मद अली जिन्ना एंड कश्मीर वॉज फॉर द अदर हाफ ब्रदर शेख अब्दुल्ला. नाउ हियरिंग ऑल दिस आई थिंक इट इज वेरी वेरी डिस्गस्टिंग कि हमें इस तरह से बेवकूफ बनाया गया 70 साल से बाय दिस सो कॉल्ड फैमिली. ऑल आई वॉन्ट टू से इज दैट आई हैव नथिंग
further to say to them, because I think karma is actually showing them their position, and karma is making the people of Hindustan, Bharat, realize ki actually unke saath kitna dhoka hua hai by the so-called Congress political party. Congress political party ke first prime minister Jawaharlal Nehru ke real father Motilal Nehru nahi the. And ye information hame aaj pata chali hai in the times of social media is quite disgusting. Humse ye real information chupai gai aur ek stepfather ko real father bana ke promote kiya gaya itne saalon se is something which is very, very unethical. And for that, I think Congress political party is paying the price. Namaskar.